सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रोमन बाजवा। खबरां दा आगाज़ करांगे पर एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइनस ते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी बने मुड़ प्रधान। मुड़ एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे हथ कमान। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे हक विच पईआं 104 वोटां। बीबी जगीर कौर नूं पईआं 42 वोटां। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को समर्पित गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे करवाया गुरमत समागम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत बड़ी गिनती विच संगतां हुई नतमस्तक। ब्रिटिश फौज के अधिकारियों का वफद सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे होया नतमस्तक। श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने ब्रिटिश फौज के अधिकारियों को किया सन्मानित। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पंजाब में चीफ जस्टिस वजो लिया हलफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुकवाई अहुदे की सहुं। जस्टिस चंद्रचूड़ बने भारत के पंजाब में CJI। भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने अमरीका में रचिया इतिहास। मैरीलैंड की बनी राजपाल। पटियाला के हलका शुतराणा में पिंड अरनो विखे दिल दहला देने वाला मामला है सामने। ट्यूबवैल से पति पत्नी दी मिलियां लाशां। SSP पटियाला ने मौके का लिया जायजा। चुफेरियों के लिए अकाली दल ने एक बार फिर SGPC के प्रधान की चोण विच फतेह हासिल कर ली है। श्रोमणी कमेटी चोणों विच हरजिंदर सिंह धामी नूं मुड़ प्रधानगी मिली है। श्रोमणी अकाली दल वालों एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं अपना उम्मीदवार ऐलानिया गया, जबकि उन्होंने खिलाफ अकाली दल चो बाहर की गई है। श्रोमणी कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर चोण मैदान में सन। जानकारी मुताबिक अकाली दल के एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के हक में 104 वोटा पईया ने, जबकि बीबी जगीर कौर को 42 वोटा ही हासिल हुई। इजलास में कुल 146 मैंबर हाजिर सन। दस दिए कि नवी कमेटी में सीनियर उप प्रधान सरदार बलदेव सिंह कायमपुर, सरदार अवतार सिंह रिया जूनियर वाइस प्रेजिडेंट और सरदार गुरचरण सिंह गरेवाल को जनरल सकत्तर चुनिया गया। पार्टी वालों मुड़ प्रधान की जिम्मेवारी सौंपे जाने नवनियुक्त प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नतमस्तक होने पहुंचे ते परमात्मा के चरणों में शुकराना अदा करदिया अरदास की। इस मौके प्रधान धामी ने पार्टी वालों सौंपी गई इस जिम्मेवारी लई धन्नवाद जताया। आज जो इन्हां फोर्सेज दी सारियां जिहड़ियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ना चाहुंदियां सी, उन्हां दी अज हार होई आ। सिख पंथ की अज गुरु साहब जी की कृपा से बख्शिश, समुचे हाउस के मैंबर साहबान उन्हां सारिआं दी जित होई आ। और 104 वोटां दास नूं पईआं, 40 वोटां बीबी जगीर कौर नूं पईआं। सो मुकाबले तां भावें हर साल ही हुंदे सी, पर अज दा जिहड़ा इह मुकाबला सी ये श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सीधी चुनौती सी। समुचे मैंबर साहबान दा दिल दीआं डगिआईआं तों धन्नवाद करदा जिन्हां ने दास नूं इह नवाजिआ वोटां पा के। श्रोमणी अकाली दल की समुची सीनियर लीडरशिप के सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का भी धन्नवाद करदा जिन्होंने मेरे ते यकीन करके 6-7 दिन पहला मैनू कैंडीडेट ऐलानिया सीगा, उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। अज दे हाउस दे विच साढ़े चार ही अहुदेदार साहबान मेरे समेत, उन्हां दे विच सरदार बलदेव सिंह कैमपुरी सीनियर मीत प्रधान जिहड़े साढ़े हरियाणे तों आ, उन्हां दे नाल सरदार अवतार सिंह जी रिया जिहड़े फतेहगढ़ तों मैंबर आ, उन्हां दे नाल सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल जिहड़े लुधियाणे तों मैंबर आ, वो जनरल सकत्तर चुने गए। और उस तों इलावा जिहड़ी समुचे तौर पर एग्जैक्टिव की चोण होई, उन्हां चोणां दे विच सरदार मोहन सिंह जी बंगी साहब, सरदार जरनैल सिंह जी करतारपुर साहब, सरदार सरजीत सिंह जी तुगलवाद, सरदार बाबा सिंह जी गमानपुर, बीबी गुरिंदर कौर भोलूवाल, सरदार गुरनाम सिंह जी बटाला, सरदार परमजीत सिंह जी खालसा, सरदार शेर सिंह जी मांडवाला, सरदार गुरप्रीत सिंह जी रंधावा, सरदार भुपिंदर सिंह जी असंध, सरदार मलकीत सिंह जी झुंगाल, ये सारे एग्जैक्टिव के मैंबर चुने गए हैं।
मैं आज दी चोण दे विच समुचे जिन्हें भी अहुदेदार चुने गए एग्जैक्टिव दे मैंबर चुने गए सारियां दा धन्नवाद करदा। श्रोमणी कमेटी दे प्रधान दी चोण विच 42 सीटां लैण तों बाद बीबी जगीर कौर ने कहा कि उन्हां नूं जिन्नियां भी वोटां पईआं ने खालसा ने पाईआं ने, पर बेअदबी दीआं घटनावां नूं अंजाम देण वाले हुण अपना अस्तीफा दे परख हो गई कि औरत जाति को कौन मान दिता है, गुरु नानक के फलसफे कौन चलता है, खालसा पंथ की सोच को कौन अपना है। ये खालसा पंथ के गदार ने और उन्होंने लोगों के हैं जिन्होंने राम रहीम नु माफ कराया और जिन्होंने बरगाड़ी कांड कराया। मेरा सियासी भविख उजला होगा तो इन्हों बाहर क्ढा गए। मैं क्या खालसा पंथ का साथ नहीं दिता जिन्होंने उन्होंने लोगों अज मैं कहना चाहनी हाँ भी जेडे पंथ गदार हो गए वो मेरे सत श्रीकाल भी मेरा मत वो जिन्हें इन्ना डरावा दिता हो सरदार सुखबीर साहब बादल ने उन्हें कहा से जे बीपी ने 25 वोटा पैन गई अस्तीफा देवगा। मैं 45 पईआं अजे 45 पईआं अस्तीफा देवे। संसार भर विच जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाया गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब तखत हरिमंदर जी श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटी और पटना साहिब की समूह सा संगत द्वारा श्रद्धा भावना न मनाया गया। इस मौके विशेष तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब मत्था टेकन पहुंचे और सालस राय जौहरी दीवान हाल का उद्घाटन किया। इस मौके बिहार सरकार के मंत्री श्री विजय चौधरी जमा खान संजय झा मौजूद रहे। इस मौके तखत साहिब के कार्यकारी प्रधान सरदार जगजीत सिंह सोही, सकत्तर इंद्रजीत सिंह, हरबंस सिंह, गुरविंदर सिंह और बाबा महेंद्र सिंह यूके वाले वालों श्री नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पर सन्मान भी किया गया। कार्यकारी प्रधान सरदार सोही ने दसाया कि श्री गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश पुरब से विशेष तौर पर दीवान सजाए गए ने। अमृत वेले तो लैके देर रात तक कीर्तन दीवान सजाए गए जिस विच पंथ के महान कीर्तनियों वालों कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल किया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहली पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पुरब श्रद्धा से उत्साह नाल मनाए गए। इस मौके वक् वक् गुरुद्वारा साहिबान विच गुरमत समागम होए जिन्हां विच रागी सिंघा ने गुरु की इलाही बाणी के कीर्तना नाल संगतां नूं निहाल किया ते कथा विचारां होईआं। वड्डी गिणती विच संगतां गुरु घर विच नतमस्तक होईआं। मुख समागम भाई लखी शाह वंजारा हाल गुरद्वारा रकाबगंज साहिब कंपलैक्स विच कीता गया। इतने लोग सभा स्पीकर ओम बिरला, गुरु गोबिंद सिंह, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालू ते साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा समेत वड्डी गिनती विच संगतां नतमस्तक हुई। इस मौके स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वह इस पावन पवित्र दिहाड़े की समुची मनुखता को बधाई देते हैं तो इस गल की खुशी है कि गुरु साहिब वालों विखाए पूर्णिया से चलदियां सिख कौम अज देश विदेश विच मनुक्ता दी सेवा कर रही है। इस मौके समागम नूं संबोधन करदिया कमेटी दे प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालू ने पावन प्रकाश दिहाड़े दीआं समूह संगतां नूं वधाई दित्तियां। जिक्र खास है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 8 साल की बच्ची जसकीरत कौर नूं सन्मानित किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली इस लड़की की जिथे याददाश्त लाजवाब है उत्थे ही उसका गुरबाणी नाल अथाह प्यार है। तीसरी जमात विच पढ़दी इस बच्ची नूं सुखमी साहिब का पूरा पाठ कंठ है। इस समय इस बच्ची दे माता सरदारनी अमरजीत कौर नूं भी सन्मानित किया गया। इस मौके दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार मैंबर अते होर शख्सियतां वड्डी गिनती विच मौजूद रहीआं। बड़भागे हाँ मैं अज अपने और तुहाडे भाग बड़े ही सवले समझदा जो धन श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा सानू सारिआं नूं काफ़ी लंबे समय बाद मनाउण दा सुभाग समा प्राप्त होया। पिछले 2 साल कोविड के करके ही असी आनंद खेड़े नहीं माण सके, सो सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश की कि आपां इस वार फिर पिछले सालों वांगू सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। किसी विद्वान सज्जन नाल मेरे विचार चल रहे सी कि आपां जिन्नी साडी उम्र होगी उन्ने असी प्रकाश दिहाड़े मना ले ने, उन्नी वार असी प्रकाश दिहाड़ा मनाया होगा जिहदी भी जिन्नी उम्र हो गई, मगर आपां सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़े तो की सेध लई की सिक्ख्या लई आपां सतगुरां तो, ते जे ते आपां सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़ियां तो अपनी जिंदगी दे विच कोई सिक्ख्या लई ते साडे प्रकाश दिहाड़े मनाए सफले ने। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सपुत्री बीबा जयिंदर कौर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के अस्थान दुख निवारण साहिब विखे नतमस्तक हुए। इस मौके पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दद्दी और साबका चेयरमैन के शर्मा ने भी गुरु साहिब के दर्शन दीदारे किए। प्रबंधकों वालों विशेष सन्मान भी किया गया। इस मौके बीबा जयिंदर कौर ने संगतों को इस पावन पुरब की बधाई दी।
इस मौके शहीद बाबा दीप सिंह जी सेवा सोसायटी वालों लंगर भी लगाया गया। मैं सारिया नूं बहुत बहुत बधाई देना चाहनी है, अज गुरु नानक देव जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है, और इस खुश मौके ते सारे दे सिर ते गुरु जी का हाथ रहे और सब ठीक खुश रहे। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे अज ब्रिटिश फौज के अधिकारियों के एक वफद ने नतमस्तक होकर श्रद्धा का प्रगटावा किया। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह तामी ने वफद के मैंबरों का श्री दरबार साहिब के सूचना केंद्र विखे गुरु बख्शिश सिरोपा साहिब और धार्मिक पुस्तकों देकर सन्मान किया। इस मौके वफद नाल आए डिफेंस सिख नैटवर्क यूके नाल संबंधित ब्रिटिश फौज के अधिकारी मेजर दलजिंदर सिंह बिरधी ने श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह तामी सिख नैटवर्क वालों तैयार करवाए गए नितनेम का गुटका साहिब और ब्रिटिश फौज अंदर सिख पछाण और दस्तार बारे छापिया साहित्य भी पेश किया। श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह तामी ने ब्रिटिश फौज अंदर डिफेंस सिख नैटवर्क वालों किए जा रहे कार्यों की शलाघा करदे कहा कि इन्होंने वालों सिख बजुर्गों की पुरानी रवायत को मुड़ सुरजीत करने के यत्न किए जा रहे हैं। इस तहत ही गुरबाणी के नितनेम का गुटका साहिब तैयार किया गया जो ब्रिटिश फौज में काम करने वाले अमृतधारी सिखा की वर्दी का ही हिस्सा है जिसनों सिखा ने अपने पास ही संभाल लिया। उन्हें कहा कि गुरबाणी के अजिहे ही विलखण गुटका साहब ब्रिटिश फौज वालों विश्व युद्ध समय भी सिख फौजियों को दिए गए सन और इसे तर्ज से डिफेंस सिख नैटवर्क एक काज कर रहा है। एडवोकेट टामी ने कहा कि इस नाल ही आर्मी में सिख पछाण और दस्तार बारे साहित्य छापे है ता जो अगली पीढ़ी को सिख सभ्याचार और विरासत बारे जानकारी मिल सके। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के नवे चीफ जस्टिस वजो रस्मी तौर पर सहु चुक ली है। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के पंजावें सीजीआई बन गए ने। सुप्रीम कोर्ट के सब तो सीनियर जज जस्टिस तंजय यशवर्धन चंद्रचूड़ राष्ट्रपति भवन में रखे समागम दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहदे की सहु चुकवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाई बी चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस वजो सब तो लंबा समा सेवावां निभाउण वाले जज सन। वह 22 फरवरी 1978 तो 11 जुलाई 1985 के अरसे तक चीफ जस्टिस के अहदे ते रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान, राज्यसभा मैंबर क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 20 लोगों के नाम आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चोणों में स्टार प्रचारकों वजों शामिल किए ने। आम आदमी पार्टी ने इन 20 लोगों के नावों की सूची पार्टी के स्टार प्रचारकों के रूप में चोन कमीशन को सौंपी है। मंगलवार रात मीडिया में जारी की गई सूची में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह और राघव चड्ढा ते गुजरात में मुख्यमंत्री अहदे लिए पार्टी का चेहरा ईशुदान गढ़वी भी शामिल है। आप की महिला आगू ते पंजाब की विधायिका बलजिंदर कौर, गायक ते पंजाब कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ते कौमी कौंसल मैंबर राकेश हीरा पारा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। तुहानू दस दईए कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात दी 188 विधानसभा सीटा ते चोणा लड़न जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह इस बार सब तो वध सीटा जीत रही है। कई लोगों को उम्मीद है कि गुजरात विधानसभा चोणा विच आप दे लड़न नाल मुकाबला तिकोना हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात विच अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिता है। आम आदमी पार्टी वालों गुजरात का मुख्यमंत्री का चेहरा ईस प्रधान गढ़वी ने, उन्होंने नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों किया गया। खबर अमरीका तो है। अमरीका में भारतीय मूल के एक होर व्यक्ति ने इतिहास रच दिता है। अरुणा मिलर मैरीलैंड की लैफ्टिनेट राजपाल बन गए ने। अरुणा मैरीलैंड की राजपाल बनने वाली पहली प्रवासी औरत है। अरुणा नू डेमोक्रेटिक पार्टी ने लैफ्टिनेट राजपाल के अहदे लिए अपना उम्मीदवार बनाया से। वो अपने नजदीकी विरोधी नू हरा के राजपाल हाउस तक पहुंचने वाली पहली प्रवासी औरत बन गई है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने तो बाद कुछ वर्गों ने अरुणा मिलर की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कई दोष भी लगाए गए। अरुणा ने इन दोषों का खंडन किया तो हूँ उन्होंने लैफ्टिनेट राजपाल की दौड़ भी जीत ली है। अरुणा मिलर मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स के मैंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 संसदी चोणा भी लड़िया सन पर उन्होंने प्रायमरी में ही हार का सामना करना पड़ा। इस तो बाद इस साल उन्होंने राजपाल के अहदे लिए उम्मीदवार बनाया गया से। यह उन्हां दीयां नीतियां दा ही असर है कि उन्होंने इस चोण विच जित हासिल हुई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने श्रोमणी कमेटी दीयां हुईयां चोणां संबंधी चढ़दी कला टाइम टीवी नाल विशेष गलबात की है। आओ सुनते हैं। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सो साडे नाल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जुड़ चुके ने बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब। किस तरह देखदे जिहड़ी चोण हुई है
ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 18-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੌਸ ਹੋਏ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 120-122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੌਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਜੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਲੌਸ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ 42 ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਡੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਡੋਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਰਨੋ ਵਿਖੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉੱਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੱਦੂ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ SSP ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 34-35 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਕਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ BSF ਦੇ DIG ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।